तो फाइनली गाइस अपने YouTube का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, तो पैसा ही पैसा होगा, काफी ज्यादा खुशी हो रही गाइस। अगर आप लोग जानना चाहते हैं मेरे YouTube का फर्स्ट पेमेंट कितने दिन में और कितना आया, तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को स्किप मत कीजिए। मगर क्यों? देखा, अगर चैनल पे सब लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में आप लोग डीएम कर सकते हैं, तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग डीएम कर सकते हैं। आप चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मेरे यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट कितना आया, तो अपने नजदीकी एटीएम में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, तो काफी ज्यादा खुशी हो रही है गाइस। तो तुरंत ही चलते, ज्यादा देर ना करते हुए, तो आप लोगों को दिखाते हैं मेरे YouTube का फर्स्ट पेमेंट कितना आया, तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम अपना ATM आ चुके हैं, यहाँ देखिए, तो चलिए अंदर चलते हैं पैसा निकालने के लिए। तो गाइस हम लोग यहां से पैसा निकाल चुके हैं, तो इसके बाद अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने घर, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं कि मेरा पेमेंट कितना आया। तो ठीक है गाइस, तो चलते हैं यहां से घर। तो गाइस वहां से पेमेंट निकालने के बाद हम सीधा बार-बार के वहां चले गए थे गाइस, और इतना ये तक नहीं याद रहा कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, इतना खुशी हो गई थी गाइस कि क्या बताएं आप लोगों को। तो उसके बाद वहाँ से बार बार के वहाँ हेयर कट करवाया, फिर उसके बाद आके घर पे नहा लिया, उसके बाद लगभग अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं गाइस, तो इसके लिए सॉरी यार बीच में वीडियो नहीं बना पाया। तो ये इतनी खुशी हो गई थी कि भूल ही गया, और दोस्तों ने काफ़ी दोस्तों ने पार्टी मांगी, 150 रुपया देगा ये थे, तो उसमें भी बिजी हो गए थे, तो इसकी वजह से वीडियो नहीं शूट कर पाए। तो गाइस वीडियो शूट कर रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारा पेमेंट कितना आया। यही नहीं, अभी और सुनिए, और सभी यूट्यूबर्स की तरह आप लोगों को इधर उधर घुमाएंगे नहीं कि ये फोन खरीद सकते हैं या ये फोन खरीद सकते, आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो गाइस मैंने अपना चैनल 31 दिसंबर 2020 को क्रिएट किया था गाइस, फिर भी मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था यूट्यूब के बारे में गाइस, फिर भी मैं वीडियो डालता गया और यूट्यूब से सीखता गया, जो भी यूट्यूब से सीखता था उसको मैं ट्राई जरूर करता था अपनी वीडियोस में, तो उसको मैं ट्राई करता गया। उसके बाद लगभग 1 साल लगा, तो उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया। यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होने के लगभग 2 से 3 मंथ बाद मेरा $10 एडसेंस में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरा एडसेंस पिन मैंने अप्लाई किया, तो वो भी 13 से 14 दिन में आ गया था, उसको भी मैंने वेरीफाई कर दिया। तो आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगी, तो ऊपर आई बटन पे होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिर उसके बाद गाइस मैं फिर भी काम करता गया, और लगभग 7 से 8 मंथ बाद मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, ये सब आप लोगों की वजह से हो पाया है गाइस, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों की वजह से ही वो हो पाया। तो गाइस आप लोगों को पता होगा कि इंटरनेशनल पेमेंट मंगाने के लिए शिप कोड की ज़रूरत पड़ती है, बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है ये, तो आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि आपको शिप कोड कहाँ और कैसे मिलेगा। तो गाइस आप लोगों को बताते हैं शिफ्ट कोड, अगर आप जिस भी कंपनी का आपका बैंक है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया है या स्टेट बैंक है, अच्छा हमको सिखा दिया है, तो वहां से जाके आप वहां के मैनेजर से मिल सकते हैं और शिफ्ट कोड पूछ सकते हैं,
या फिर आपको तो इंटरनेट पे ही मिल जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों को ये यकीन नहीं होता कि इंटरनेट पे भी सही होगा या मेरी पेमेंट रुक जाएगी। तो मैंने भी अपना गूगल पे ही सर्च करके निकाल लिया था स्विफ्ट कोड और उसी को अप्लाई कर दिया था बिना सोचे और बिना डरे। तो मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया, मुझे बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो ऐसे ही कर सकते हैं या फिर अपने बैंक मैनेजर से मिलकर वहाँ से स्विफ्ट कोड ले सकते हैं। तो गाइस, हमने यूट्यूब की पेमेंट से अपना माइक भी ऑर्डर कर। नो, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। दिया है तो आप लोगों को वॉइस में कुछ फर्क दिखेगा, क्योंकि अभी तो मैं मोबाइल से वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा माइक आ जाता है तो उसका अनबॉक्सिंग भी आप लोगों को दिखाएंगे उसके बाद मेरी वीडियो में। अब मैं अपने माइक से ही जो भी रिकॉर्ड करूँगा माइक से ही रिकॉर्ड होगा, तो आपको आवाज़ में फ़र्क दिख जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को साइड में दिख रहा होगा जितना भी पेमेंट मेरा आया है, या फिर आप लोग ये सोच सकते हैं कि $100 का इंडियन रुपीज़ कितना बनता है, तो उतना ही पेमेंट गाइस मेरा आया है। ठीक है गाइस, तो आप लोग कमेंट करके बताना गाइस कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी सब लोग लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और आज से इस चैनल पर आप लोगों को रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।